लड़ते लड़ते बिहार से 250 किलोमीटर दूर मदुरई जेल में बंद था, और एक भाई जो उनके लिए सदैव खड़े होकर इंसाफ की लड़ाई, न्याय की लड़ाई लड़ता था, और आज यही कारण है कि करण कश्यप के भाई की, मनीष कश्यप के भाई की भी जीत है, बिहार वासियों की भी जीत है, करण कश्यप की भी जीत है। न्यायालय पर भरोसा था ना? पूरा और क्या हुआ अपने न्यायालय? सबसे पहले जज साहब को चरणों में मेरा प्रणाम, और मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा, मेरा परिवार और पूरा बिहार वासी भी आभारी रहेंगे। जिस तरह आपने निर्भीक होकर आपने डिसीजन सुनाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और हमारे वकील साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह बेबाकी से अपना आवाज रखे जज साहब के सामने। मनीष कश्यप अब बिहार में ही रहेंगे। क्या पल रहा वो मनीष जी को, मैंने देखा वो भावुक हो गए, आंखों में आंसू था उनके, उनकी आंखों में आंसू था। जज साहब ने सारे कोर्ट परिसर में, सारे वकील ने उनका दामन थामा, सारे वकील ने गले लगाया कि हाँ मनीष मैं तुम्हारे साथ हूँ। सत्य की जीत, सत्य की जीत, क्या मंदिर, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। प्रयास जो भी था, आप सभी का प्रयास था, और आप सभी भाइयों ने ये बतला दिया कि मनीष कश्यप का एक भाई भरत नहीं है, उसके साथ लाखों लाख भरत खड़े हैं, लाखों लाख लक्ष्मण खड़े हैं, जो कि आज सिद्ध कर दिए कि सत्यमेव जयते सत्य की जीत होती। कल महादेव का आशीर्वाद था, आज हमारे बजरंगबली का आशीर्वाद था, और हमारे पक्ष में फंसाया हमारा जो लाल है, हमारा जो भाई है, अब बिहार में रहेगा, मजबूती से रहेगा, और आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके 200 रुपए का माइक लेकर के आप लोग एक साथ निकलिएगा, और भाषा चार पे आवाज बुलंद कर दीजिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप कितने खुश हो? हम भाई सीना फाड़ कर दिखा रहे हैं, और नहीं तो बता दे कितना, कोई मदुरई से लेकर केस तेज था तब भी मनीष कश्यप जी के साथ खड़े थे, आज भी खड़े, और ये हम सब की जीत है। देखिए आपको इतनी खुशी है तो मुझे जिंदा सच, मुझे आप भी, आपको भी लगता होगा कि हर साथ मनीष भाई और मैं क्या, जितने भी माइक 200 को माइक पकड़ते हैं एक साथ जाकर हम लोग रिपोर्टिंग करें, और जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसके आंखों में आके डालकर पोषण करें। चलिए करण कश्यप जी से अंत की बात यही समझिए, अभी हमारे साथ करण कश्यप है, और हम सिविल कोर्ट से बाहर आ रहे हैं, और करण कश्यप जो है, करण कश्यप